Hey, Plantoholics, welcome back to my channel. Hope you're doing well, friend. This video is all about. टॉप ट्वेल्व हैवी फ्लॉरिंग प्लांट्स फॉर ऑगस्ट गार्डन तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत से ऐसे हैवी फ्लॉग प्लांट्स दिखाऊंगी जो कि पूरा ऑगस्ट मंथ आपके गार्डन में इसी तरीके से हैवी फ्लारिंग करेंगे तो शुरुआत मैं करूंगी इधर मेरे अडेनियम के प्लांट्स के साथ तो आप देख सकते हो कितनी सारी बर्ड्स और फ्लारिंग भी होना अब शुरू हो गई है और फ्रेंड्स इसमें वैसे भी फ्लारिंग हो भी रही थी और ये वाला आप जो प्लांट देख रहे हो इसमें तो बहुत सारे फ्लावर्स बनाए अब ये स्पेंट हो रहे हैं क्योंकि बारिश भी यहाँ पर इधर लखनऊ में अब हो रही है अच्छी खासी तो फ्लावर्स भी जब लगे रहते हैं तो वो भी गिर जाते हैं उसमें जल्दी आ, आपका जो फ्लावर होता है वो खराब होने लगता है एक्सेस वाटर की वजह से रेन वाटर की वजह से तो यहां पर मैं ये रिमूव कर दूंगी तो अगर आपके पास अडेनियम के प्लांट्स नहीं है तो फ्रेंड्स और भी मेरे पास जो प्लांट्स सब में कलियां बहुत अच्छे से आ रही हैं और जैसे ही फ्लारिंग शुरू होगी तो मैं डिटेल वीडियो अलग भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी सेकेंड जो आप फ्लारिंग प्लांट देख रहे हो ये है तिकोमा का फ्रेंड्स इसमें तो इतने हैवी नंबर्स में फ्लावर्स आए थे कि इसकी जो ब्रांचेज है बिल्कुल लटक सी गई हैं इतना ज्यादा फ्लावर्स के वेट की वजह से आप देख सकते हो कितने सारे फ्लावर्स बहुत अच्छे से खिले थे लेकिन जैसे बारिश होती है तो ये जो फ्लावर्स होते हैं वो बिल्कुल इनकी पेटल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है तो बारिश का भी ये भार बहुत ज़्यादा सह नहीं पाती और ये बिल्कुल थोड़ी सी सी मुरझा के नीचे को लटक सी जाती हैं नहीं तो अगर बारिश नहीं हुई होती तो इतनी सारी बर्ड्स आई थी कि ये फ्लावर्स बहुत अच्छे से खिलते और अभी भी आप देख सकते हो कितने अच्छे से हैवी फ्लारिंग हो रही तो अगर तिकोमा का प्लांट आपके पास नहीं है तो इसको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी जरूर अपने गार्डन में इसको इंक्लूड करिएगा इधर आप जो नेक्स्ट फ्लारिंग प्लांट देख रहे हो ये है पोटूलाकाश के फ्रेंड्स इसका तो मैंने अभी डिटेल वीडियो या है अभी रिसेंट में ही तो अगर आपने वो वॉच आउट नहीं किया तो आप जरूर जाकर देख लीजिएगा आप देखिए मानसून के भी समय में मेरे इन प्लांट्स में इतनी बम्पर हो रही है तो मैंने जो भी कुछ केयर एंड टिप शेयर की है वो आप उस वीडियो में जरूर वॉच आउट करिएगा लिंक मैं ऊपर आई बटन पर दे दूंगी और इधर मैं आपको मेरे जो मॉस रोजेस हैं उनको भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स उनमें भी फ्लारिंग बहुत बम्पर तरीके से फ्रेंड्स डे टू डेज में इतने सारे फ्लार्स खिले रहते हैं कि मैं इनकी जब बर्ड्स हटाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि डेली इसमें कितने सारी हेवी फ्लारिंग हुई होगी ऑलमोस्ट फ्रेंड 50 टू 60 एक एक प्लांट मैं बर्ड्स को रिमूव करती हूँ जो कि इतनी आ, अभी जो कि मानसून के समय में इतनी बंपर फ्लारिंग इन प्लांट्स में हो रही है और ये प्लांट्स नेचर होते हैं तो आप इसे लंबे टाइम तक के लिए सेव भी कर सकते हो तो इसको भी आपको अगर ये वाली जो देसी वरायटी मिल जाती तो जरूर इंक्लूड करिएगा इधर जो आप नेक्स्ट फ्लारिंग प्लांट देख रहे हो ये है बुगनवेलिया के ऑल फ्रेंड्स अब मेरे प्लांट से फ्लारिंग शेड हो गई लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि मानसून में इसमें इसी तरीके से फ्लारिंग होती है अब न्यू बैच ऑफ फ्लार्स जो है बर्ड्स वगैरह निकलना फिर से मेरे प्लांट में शुरू हो गई और एक बार जैसे ही हैवी फ्लारिंग होगी तो फिर से मैं आपको आप लोग के लिए अलग सा इसका वीडियो भी बना दूंगी और आप देख सकते हो इसी तरीके से मानसून के समय में आपके जो भी बुगनविलिया के प्लांट्स होंगे उनमें फ्लारिंग होगी देखिए फ्रेंड्स जो भी प्लांट होता है कोई भी प्लांट जब एक बार वो फ्लारिंग कर देता है तो उसको मिनिमम फ्रेंड्स फिफ्टीन टू तो ट्वेंटी डेज लगता है कि वो न्यू बर्ड्स को बनाए तो आप एकदम से एक्सपेक्ट मत करिए कि प्लांट में लीफी ग्रोथ हो रही है भाई एक बार उसने फ्लारिंग कर दिया पर उसमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और एनर्जी भी चाहिए होती है न्यू बर्ड्स को बनाने में और जैसे ही फ्लारिंग शुरू होगी मैं आप लोगों के साथ वो भी वीडियो जरूर से जोर शेयर करूंगी और में आप इन प्लांट्स को कटिंग से जरूर से जोर लगा लीजिए जो भी कटिंग आपके पास नहीं है कलर आप चाह रहे हो वैसा आप कलर लाकर कटिंग लगाकर अपने पास न्यू प्लांट बना सकते हो इधर जो आप नेक्स्ट प्लानिंग प्लांट देख रहे हो ये रोजेस के स्पेशली ये है देसी गुलाब जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं स्पेंट फ्लार्स रिमूव कर रही हूँ डे टू डे बहुत सारे फ्लार्स इसमें भी खिलते हैं और बर्ड्स बहुत सारी आ गई हैं और इसमें भी अब हैवी फ्लॉरिंग शुरू हो जाएगी तो आप भी देसी गुलाब है या गुलाब की कोई भी आप वैरायटी को लगा सकते हो क्योंकि मानसून से लेकर पूरा इनका स्प्रिंग टाइम तक ये बहुत हैवी फ्लारिंग करते हैं तो अभी भी आपके पास जो भी इसमें भी आप वरायटी लगाना चाह रहे हो फ्लोरी बंडा है ग्रैंडी फ्लोरा है जो भी आपके पास नहीं है मिनिएचर वो आप लगा सकते हो इधर जो नेक्स्ट फ्लॉर्ंग प्लांट आप देख रहे हो ये है बिस्कस के तो फ्रेंड्स ये बिस्कस भी मानसून के समय बहुत अच्छे से फ्लानिंग करता है आप इसकी इस तरीके से हाइब्रिड वैरायटी लगा सकते हो नहीं तो देसी वैरायटी लगा सकते हो जो भी कलर आपके पास ना हो आप वो वैरायटी को जरूर से जरूर इंक्लूड करिए पूरे साल ये एक ऐसा पर्मनेंट फ्लारिंग प्लांट होता है जो कि थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छे से फ्लानिंग करता है क्योंकि इसमें भी वराइटीज़ होती हैं जैसे कि आपकी ये जो हाइब्रिड वराइटीज़ हैं ये मानसून से लेकर टेल आपका स्प्रिंग तक बहुत अच्छे से फ्लारिंग करता है फिर जो देसी वरायटीज़ होती है फ्रेंड वो पूरा समर भर बहुत अच्छे से फ्लारिंग करते हैं तो अगर आप को गुड़हल के प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ होती हैं कि आप पूरे साल कैसे अपने गार्डन में गुड़हल के फ्लावर्स पा सकते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ को लगाएंगे तो आपके पास पूरे साल इसके फ्लावर्स भी खिले हुए आपको मिलेंगे अपने गार्डन में इधर जो आप नेक्स्ट फ्लारिंग प्लांट देख रहे हो ये है सामनी का जिसका फ्रेंड पीक टाइम ही है मानसून का अच्छी फ्लारिंग का आप देखिए कितनी सारी बर्ड्स मेरे इस प्लांट्स में आई हुई है इस प्लांट में आई हुई है और मेरे जो अदर प्लांट्स हैं उनमें भी अब न्यू बर्ड्स निकल रही हैं तो सावनी के भी प्लांट को आप ज़रूर से जोर लगा लो ये मेरी पास जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है डोआ वराइटी मेरे पास इसकी ट्री वराइटी भी है तो आप जो भी आपको अगर कलर पसंद हो फ्रेंड्स वो जरूर से जरूर नर्सरी से ले आइए बहुत खूबसूरत ये मानसून का फ्लारिंग प्लांट होता है तो अगस्त में तो आपको मस्त है लगाना इधर जो नेक्स्ट फ्लारिंग प्लांट आप देख रहे हो ये है अलमांडा के जो कि फ्रेंड्स इधर मानसून में बहुत अच्छे से फ्लारिंग करते हैं अगस्त मंथ में भी इसमें बंपर फ्लारिंग होती है तो अगर आपके पास ये वाला भी प्लांट नहीं है तो ये सेमी वाइन वराइटी है मतलब कि इसमें आपको सपोर्ट अगर आप नहीं भी दोगे तो भी ये बहुत ही अच्छी से बिना सपोर्ट के फ्लारिंग कर है इसमें एक वाइन वैरायटी जिसमें मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगी उसमें आपको सपोर्ट देने की जरूरत पड़ेगी ये भी का, आप ये भी कलर देख सकते। बहुत खूबसूरत में वाइडलीटर्स तो तो भी फ्लावर्स होते हैं ये बर्ड्स को बहुत ज्यादा सन बर्ड को अट्रैक्ट करते हैं बीज बटरफ्लाइज तो आपका गार्डन काफी ज्यादा देखने में अच्छा सा लगेगा तो कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट को जरूर से जरूर रखिए जो कि पॉलीनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं अब मैं आपको इसकी वाइन वैरायटी भी दिखा देती हूँ जो कि ये है आप

आपको बहुत ज्यादा धूप में नहीं रखना है और बारिश का समय जो होता है वो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होता है इसकी फ्लारिंग के लिए बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स भी देखने में लगते हैं और बहुत ही बंपर तरीके से इसमें भी फ्लारिंग होती है जब एक बार मानसून का जो टाइम आ जाता है तो फ्लारिंग बहुत अच्छे से करता है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा धूप नहीं पसंद होती है तो आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हो काफी खूबसूरत आपका गार्डन देखने में लगेगा इसमें ये ट्री वैरायटी आती है इसके साथ साथ आप इसमें डुआफ वैरायटी भी इंक्लूड कर सकते हो जिसमें प्लांट छोटा साइज जरूर रहेगा लेकिन फ्लारिंग बहुत

फ्लारिंग करेगा तो आप विकास के भी प्लांट को जरूर से जरूर लगा सकते हो ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है इसमें आप देसी वैरायटी भी लगा सकते हो हो जो कि वाइट एंड पीछे जो ये वाइट वाली आप देख रहे हो पीछे जो पर्पल वाली आप इसको भी लगा सकते हो इधर जो आपने नेक्स्ट फ्लारिंग प्लांट देख रहे हो ये है यूफोर्बिया मिली का ये एक ऐसा परमानेंट फ्लारिंग प्लांट होता है जो कि थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छे से फ्लारिंग करता है हाईली रिकमेंड करूंगी अगर आप अपने गार्डन में कोई ऐसा प्लांट लगाना चाह रहे हो जो कि कम देख रेख में पूरे साल अच्छे से फ्लारिंग करे तो आपको यूफोरबिया मिली के प्लांट को जरूर से जरूर लगाना है और मानसून का टाइम अगर आपको इसकी कहीं से कटिंग मिल जाती है तो कटिंग से इस प्लांट को लगा लीजिए बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है और काफ़ी खूबसूरत

गार्डन में जरूर इंक्लूड करना चाहिए अगस्त के मंथ में भी बारिश जो होती है वो बहुत ही अच्छी खासी होती है आपको इसी तरीके से ये भर भर के फ्लावर्स देगा और कम केयर में कोई आपको इसमें केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जस्ट आपको एक बार जैसे इसमें शेड हो जाती है। जस्ट आपको इसकी एक हार्ड प्रूनिंग कर देनी जितना आप नीचे से कट कर दोगे फिर नीचे से ही फ्रेंड्स में न्यू बर्ड आएगी और जितनी बर्ड आएंगी आएंगे आप देख सकते हो इतनी ही नंबर में फ्लारिंग होगी जैसे कि आप मेरे इन प्लांट्स में देख सकते हो आपको फ्लार्स ही फ्लॉर्स नजर आएंगे तो बस आपको यही एक सिंपल सा काम करना बाकी आपको फर्टिलाइजर्स को लेकर भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है और बारिश में बात करूं तो काफी सारी हाइब्रिड वराइटीज भी आती है आप उसको भी लगा सकते हो तो इस तरीके से देसी वरायटी आप लगा सकते हो नाग चंपा को भी आप लगा सकते हो जिसे हम प्लोमेरिया पुडका कहते हैं वो भी आप लगा सकते हो इस तरीके से जिसमें डार्क पिंक या रेडिश कलर के फ्लावर्स निकलते हैं आप उसको भी लगाइए आपका गार्डन जो होगा वो काफी काफ़ी ज्यादा देखने में खूबसूरत लगेगा बिगनर हैं तो इस प्लांट को हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि ये प्लांट में आपको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स को लेकर भी परेशान होने की जरूरत नहीं साल में बस एक बार आप इसे फर्टिलाइज कर दीजिए पूरे साल आप आपको अपने प्लांट में फ्लावर्स की फ्लास देखने को मिलेंगे क्योंकि लीज कैरी में बहुत अच्छे से फ्लारिंग करता है तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन फ्लारिंग प्लांट्स में से कौन से प्लांट्स को आप लगाने वाले हो और आपको इनमें से कौन सा प्लांट सबसे ज्यादा पसंद आया तो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले होप यू लाइक द वीडियो थैंक यू सो मच